तो सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, एंड सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो बैच होता था सुबह 6 बजे, उस मेरे फोन में कोई ऐप नहीं है, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना स्नैपचैट, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक पढ़ रही है, इतना कौन पढ़ता होता है। मैं हूँ, मेरा फियर मैथ्स। UPSC is a very tough exam. It is not easy to clear. Financial independence girls के लिए बड़ी जरूरी है। हम क्या girls पे depend होने वाले? Self study is very important. कहीं relatives बोल देते हैं, अच्छा इतनी बड़ी हो गई पढ़ा, वो शादी नहीं हो रही है। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह है, he still calls himself as a student of economics and he is 90 years old. मैं न्यूज़पेपर शुरू से ही पढ़ती हूँ, मैं 5th क्लास से। सर ने मुझे कहा था तुम ट्राई करते रहना, 2015 की बात होगी, और मैं तब भी सर से गाइडेंस लेने आई थी मैथ्स की, जो CSAT का एग्जाम होता है। साउथ इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बिहार के बहुत इंटेलिजेंट है, हम कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं, स्पेशली इधर के एरिया वालों को लगता है। थैंक यू, दिस इज सो नाइस। था सर ने हमें बहुत अच्छी बेसिक से पढ़ाया, जो हमारे नहीं भी क्लियर थे, कि मैथ्स में मेरे 9th क्लास में 45 मार्क्स थे एंड इन बोर्ड्स आई स्कोर 96 मार्क्स आउट ऑफ 100। हमारे पास बस एक 10 ईयर पेपर की किताब होती थी और सर की गाइडेंस होती थी। चलिए फिर, माय नेम इज़ अनमोल वड़ैच एंड आई वाज बोर्न इन द सेम सिटी एज योर्स, शाहबाद मारकंडा। आई लिव इन किला सिखा, सिख फोर्ट, एंड एम। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर अर्ली स्ट्रगल इन योर एजुकेशन इन स्कूल्स। सो लाइक आई सेड, आई स्पेंड माई चाइल्डहुड इन दिस सिटी ओनली, इन शाहबाद ओनली। आई वॉज बॉर्न हेयर, आई वॉज ब्रॉट अप हेयर। माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू मी टू परस्यू मोर एजुकेशन, सो दे सेंड मी टू इंडियन पब्लिक स्कूल अम्बाला फॉर 5 ईयर्स। आई डिड माई 10th फ्रॉम देयर, एंड आफ्टर दैट इन 11th 12th आई वॉज सेंट टू अ हॉस्टल इन मसूरी, गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रगल्स, सो एक शाहबाद में उस टाइम पर होता था कि थोड़ा इंग्लिश के ऊपर जोर कम होता था, लेकिन उस टाइम पे लोग मानते थे कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है, आनी चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं, हमें इसको इंग्लिश आनी चाहिए, तो इसको IPS में भेज दो। तो वहाँ पे जब हमने जाके देखा तो अम्बाला वाले बच्चे कुछ ज़्यादा अच्छा बोलते थे, हमसे बोला नहीं जाता था। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक लगन थी कि चलो कोई बात नहीं, एक लैंग्वेज ही तो है। वैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट लैंग्वेजेस आई स्पीक, बीट हिंदी, बीट पंजाबी, लेकिन कई बार आजकल जॉब मार्केट की वो होती है कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो वहाँ पे जाके मैंने स्क्रैच से इंग्लिश को पढ़ा, टेंसेस को पढ़ा, तो एक वो स्ट्रगल मुझे याद रहती है, क्योंकि वहाँ पे फ़ाइन लगा देते थे आप पे अगर आप किसी और लैंग्वेज पे बोलते थे। तो मैंने इंग्लिश पे, मेरे को थोड़ा स्ट्रगल बहुत आता था पहले, एकदम से शाहबाद से उठ के आप जाते और अम्बाला के बच्चे बिल्कुल एकदम हाई फाई इंग्लिश बोल रहे थे, तो वो रहता था। और स्ट्रगल मैं कहूँ तो उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते थे। आपके पास आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है, यूट्यूब है, वी हैड नथिंग। हमारे पास बस एक 10 ईयर पेपर की किताब होती थी और सर की गाइडेंस होती थी, बस यही होता था हमारे पास। एंड 2008-09 में आई वॉज अ स्टूडेंट, लाइक यू आर अ स्टूडेंट टूडे ऑफ सर। हमने 10th बड़े एंथुसियास्टिकली स्टार्ट करी, हमने सोच रखा था कि बोर्ड में नंबर लेकर आने, क्योंकि उस टाइम बोर्ड बहुत बड़ी चीज़ होती थी, कि बोर्ड में जो अच्छा कर गया उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बन गई। सो पूरा साल 2008-09 मार्च में एग्ज़ाम था, सर ने हमें बहुत अच्छी बेसिक से पढ़ाया, जो हमारे नहीं भी क्लियर थे, कि ऐसा था कि मैथ्स में मेरे 9th क्लास में 45 मार्क्स थे एंड इन बोर्ड्स आई स्कोर 96 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो वो एक जर्नी पूरी बहुत मुझे आई रिमेम्बर कि जो मैंने सबसे अच्छी लगन अपनी दी है वो क्लास 10th में दी थी। तो दीज वर सम ऑफ द स्ट्रगल्स। तो हम लोग बेसिकली अब ये जानेंगे कि यूपीएससी का एक पेपर क्रैक करना, कितने स्ट्रगल्स के बाद जो है वो इतने बड़े टारगेट को जो है वो अचीव करना, कितने फेलियर्स से गुजर के जो है ये रास्ता पहुंचा है, किस तरह का यूपीएससी का जो है वो इनका सफर था, वो एक बार अनमोल जी जरूर यहाँ पे बताएं। मैंने अपनी स्कूलिंग का तो बता दिया, उसके बाद मैं थोड़ा कॉलेज एजुकेशन की बात करूंगी, कहाँ से मैंने की, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा, तो बी मेरे को इकोनॉमिक्स का बहुत शौक था शुरू से ही, ट्वेल्थ में मेरे पास सब्जेक्ट था। फिर मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे से, एंड उसके बाद मैंने एमफिल पीएचडी में एडमिशन लिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। एमफिल भी मैंने फिनिश करी थी 2018 में और तब से मैं पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी मेरी इस साल ख़त्म हो जाएगी। तो एक इकोनॉमिक्स का जज्बा शुरू से था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी लाइन में जाया जाए, इसी में जॉब्स को ढूंढा जाए। उसमें जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब कहे कंट्री में मुझे लगी वो थी यूपीएससी की इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि हाउ ईजी और हार्ड, तो देखो कोई चीज़ हार्ड नहीं अगर आपकी स्ट्रगल है, आपकी हिम्मत है और आपकी लगन है। तो हाँ, अगर आपने पूरा 100% नहीं दिया तो चीज़ आपको हार्ड लगेगी, लेकिन अगर आपने थॉरली प्रिपेयर किया, एक स्ट्रैटेजिकली और एक बहुत स्मार्टली प्रिपेयर किया, तो आई थिंक यू कैन गेट थ्रू इट ईजिली। एंड चैलेंजेस इसमें क्या है, चैलेंजेस हैं कि एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारा इंडिया बैठ रहा है, सिर्फ शाहबाद या सिर्फ हरियाणा नहीं बैठ रहा, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर गोना सिट विद यू। हर जगह का अलग वो है, कुछ लोग कहते हैं साउथ इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बिहार के बहुत इंटेलिजेंट है, हम कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं, स्पेशली इधर के एरिया वालों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाई मैंने कि मुझे कैसे सिलेबस कवर करना है, मैं साथ साथ पीएचडी भी मैनेज कर रही थी अपना। अराउंड कोविड में मैंने स्टार्ट किया, जब कोविड का लॉकडाउन लगा और मैं शाहबाद 2 साल के लिए वापस आ गई, दिल्ली में सब कुछ बंद था, तब मैंने एक एम बनाया कि नहीं मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे इसी को करना है, तो उस स्ट्रैटेजी से मैंने इसको डील किया। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि आपका ये कौन से वाला जो है वो अटेम्प्ट था, ये वाज दैट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, और कितने फेलियर्स आपने इससे पहले जो है वो देखे हैं एक इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए। क्योंकि आजकल जो मैं फील करता हूँ ना, बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फेलियर देखने की कैपेसिटी लोगों में बहुत ज्यादा खत्म हो गई हुई है। तो आप फेलियर्स को कैसे देखते हैं इन दिस जर्नी एंड ऑल? पहले जैसे ही मैंने मास्टर्स किया, मेरे को बड़ा शौक था एकदम से कि मैं जो दूसरे वाला सिविल सर्विसेज जो सबके लिए होता है कि वो वाला दूं मैं। तो मैंने अच्छी तैयारी करी थी, 2015 की बात होगी, और मैं तब भी सर से गाइडेंस लेने आई थी मैथ्स की, जो सीसैट का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने सर के साथ 2-3 महीने तब भी लगाए थे समर्स में, और उस साल मैंने अटेम्प्ट भी दिया एंड आई जस्ट मिस द कट ऑफ बाई 2 or 3 marks। एंड उसके बाद थोड़ी सी मैंने होप छोड़ दी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तब मैं मास्टर्स के साथ इसको मैनेज कर रही थी, आई वॉज़ वेरी यंग, आई वॉज़ जस्ट 21 दैट टाइम। एंड लेकिन सर ने मुझे कहा था तुम ट्राई करते रहना। उसके बाद मेरा थोड़ा ध्यान हो गया कि मैं रिसर्च या एमफिल पीएचडी करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें बिजी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में चीज़ थी कि तुम्हें रिग्रेट होगा अगर तुम नहीं करोगी इसको दोबारा। तो उसके पीएचडी के आप लगा लो कोविड, जैसे मैंने बताया 2020 में मैंने अपनी किताबें उठाई दोबारा से, बीए की एमए की, और दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। एंड मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो 2020 में था, जब कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी साल अक्टूबर में था। फिर मैंने अपने उन एरियाज़ को नोट किया, मैं तब क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, एंड मैंने देखा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी कमी कहाँ पर थी, जो जो कमियाँ थी मैंने उन्हें नोट डाउन किया। फिर 2021 में मैंने नहीं दिया, तो इस साल मैंने दोबारा दिया। इस साल मेरे को था कि हाँ मेरी 100% तैयारी है और मुझे बैठना चाहिए एग्ज़ाम में। तो ये सेकेंड टाइम मुझे ये सक्सेस मिली। और अगर आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है और कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट देते हो, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन इट। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि फेलियर के बाद मतलब एक बाउंस बैक करने वाली जो स्ट्रेटजी रहती है लोगों की, मतलब लोग क्या रहते हैं ना, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जी, लगता है होप्स जो है वो छोड़ देते हैं। तो एक मतलब वो एक अंदर से होता है ना जुनून होता है कि यार मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मेरी बुल्स आई जो है वो मैंने बना ली हुई है अपनी। तो एक मैम आप ये बताएं कि बाउंस बैक एक फेलियर के बाद आपने जो है वो किस तरीके से किया? मतलब जी, एक तो बात होती है कि अपने अंदर ना कोई चीज़ आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना रह जाए, ये मतलब पूरी होने से ना रह जाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने बाउंस बैक नहीं किया तो आज से 10 साल बाद मैं बैठ के सोच रही होंगी कि मैंने क्यों नहीं किया ये।
एंड यूपीएससी आपको अटेम्प्ट्स देता है, जैसे इस एग्जाम में आपके पास 4 अटेम्प्ट होते हैं अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करके इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए बैठ रहे हो, दूसरे वाला आपको 6 अटेम्प्ट देता है। तो वो आपको देता ही इसलिए कि आपकी परसेवरेंस चेक करने के लिए कि आप क्या एक फेलियर से निराश हो जाओगे और बैठ जाओगे कि फिर आप दोबारा बाउंस बैक करोगे। तो बाउंस बैक करने के लिए ज़रूरी है कि अपने मन में आप खोजें कि आपको क्या ये चाहिए, आपको 100% चाहिए। अगर 100% चाहिए तो आपको कोई भी बाउंस बैक करने से रोक नहीं सकता। तो बाउंस बैक करें, बिल्कुल करें। एक फेलियर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉट इवन यूपीएससी, एनी एग्ज़ाम दैट यू गिव एंड यू आर नॉट सक्सेसफुल, या कोई आपने काम शुरू करा है, चाहे कुछ भी है, चाहे बिजनेस में कई लोग जाएंगे, तो फेलियर से वो मत होए, लेकिन ये ज़रूर रखें अपने माइंड में कि आपने 100% इस काम को देना है, और काम को 100% दे अगर देने की ठान ली है तो आपको कोई भी पावर रोक नहीं सकती। एक यूजुअल क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये जो है वो कितना पढ़ना पड़ता है, मतलब पर डे अगर आपको यूपीएससी में एक टॉप रैंकर जो है वो बनना है, तो इसके ऊपर मैम जरूर बच्चों को बताओ कि कितने आर की आपकी रेगुलर स्टडी है, और इन बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है कि मतलब कब से इनको जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग्स हो गए, जो भी बच्चे अपनी आईएएस ड्रीम्स को जो है वो परस्यू करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट बात शेयर करूंगी, मैं न्यूज़पेपर शुरू से ही पढ़ती हूँ, मैं 5th क्लास से पढ़ती हूँ, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, चाहे पंजाबी का आता था मैं पढ़ती थी, तब इंग्लिश का या न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता होता, तो बहुत मुश्किल से मिलता था। एक टाइम था द ट्रिब्यून आता था, वो भी किसी किसी के घर में, सो इट यूज़ टू बी अ लग्जरी फॉर अस बैक देन। आपके पास तो रोज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं न्यूज़पेपर तब से पढ़ती हूँ, चाहे मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म नहीं होता, मैं करती नहीं हूँ ब्रेकफास्ट विदाउट न्यूज़पेपर, चाहे मैं तैयारी कर रही थी नहीं कर रही थी, बट न्यूज़पेपर एक मेरा हैंडी रहता था। तो आई विल इनकरेज ऑल ऑफ यू, चाहे आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की भी कर रहे हैं, सुबह न्यूज़पेपर उठा के पढ़े, बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू। एंड स्टडी की बात करूँ मैं, तो अगर आपने मतलब यूपीएससी एक सेट सिलेबस देता है आपको, चाहे वो सीएससी एग्ज़ाम हो, आईईएस एग्ज़ाम हो, उस सिलेबस को आपने पढ़ना है बार बार, उस सिलेबस से नोट्स बनाने हैं, वो टॉपिक कौन सी बुक में दे रखे हैं उन बुक्स को जाके पढ़ना है, पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है। तो आई वुड से अगर आप इनिशियली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी 6 से 7 घंटे की स्टडी भी है, अगर आप कोई और काम नहीं कर रहे, अगर कोई और काम नहीं कर रहे तो 6 से 7 घंटे, अगर कोई और काम कर रहे हैं, जैसे कई लोग काम करते हैं, मैं पीएचडी कर रही थी, मुझे पीएचडी में भी टाइम देना पड़ता था, तो 3 से 4 घंटे ओवर 1 ईयर आर सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे किताब पढ़ के खोल के देखते रहो, 12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई ऐसे ही बोलता है, उसके बाद आपका एक टाइम लिमिट जो आपके ब्रेन की वो ख़त्म हो जाती है कंज्यूम करने की। थोड़ा पढ़ लें चाहे, लेकिन क्वालिटी स्टडी करें, थोड़े में से ज़्यादा ग्रैस्प करने की कोशिश करें, बार बार रिवाइज करें। एक बार आपका सिलेबस हो गया सारी चीज़ का, चाहे अभी आप बोर्ड्स दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, सिलेबस को बार बार रिवाइज करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करें। मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने लास्ट ईयर के जो यूपीएससी के 7 साल के पेपर थे 2014 से 2021 के, मैंने वो सारे 2-2 बार लिखे, तो उसके मुझे बहुत हेल्प मिली। तो आई वुड से कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आपको जो पास्ट ईयर 10 ईयर पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये ना आजकल मैं एक सिनेरियो देखता हूँ जिसमें जो है वो सब लोग एक रैट रेस के अंदर जो है वो चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, इवन पेरेंट्स भी जो है उस पर्टिकुलर चीज को एनकरेज कर रहे हैं, स्पेशली मार्क्स को, मतलब सब लोग इस रैट रेस में है कि आपको इतने परसेंट मार्क्स अचीव करने हैं तो आपका जो है वो ये बन जाएगा। तो मार्क्स को आप कैसे देखते हो, एक्चुअल लाइफ अचीवमेंट और मार्क्स, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब हाउ दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ इन इंडिया आई वुड से, तो मैं बहुत ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस नहीं कर रही इसकी, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें अपने 10th और 12th में, तो आपको अच्छा स्कोर वैसे ही मिल जाएगा। तो मेरे मार्क्स अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे आए थे 10th में 92.4 और 12th में आए थे 94%। उसके बाद लेकिन जब मैं BA में गई, मैं इतना अडेप्ट नहीं कर पाई थी वहाँ के सिलेबस को या दिल्ली शहर को, एकदम छोटे से शहर से वहाँ चले जाना, तो मेरी परसेंटेज बहुत कम हो गई। इवन इन 1 सेमेस्टर आई स्कोर्ड अराउंड ओनली 58%। लेकिन मैंने उससे सीखा कि चलो कोई बात नहीं, कई बार ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं आपकी लाइफ में, हो जाते हैं, आप इमोशनली इतने वो नहीं होते, साउंड होते, आप कई बार फिजिकली आप कई बार बीमार पड़ जाते हो, कोई भी नेचुरल वो आ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है एक बार आपके मार्क्स कम आ गए तो हमेशा ही आएंगे,
तो मेरे बीए में काफ़ी मतलब बहुत एवरेज स्कोर था मेरा, फिर भी उसके बाद मेरे को एक अच्छे मास्टर्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। तो मार्क्स कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग इन योर लाइफ। कोई आपके मार्क्स याद भी नहीं रखेगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मार्क्स को इतना ज़्यादा भी मत बनाएं कि उससे ऑब्सेस हो जाए, लेकिन हाँ अपनी ऑनेस्टली पढ़ते रहें। अगर पढ़ रहे हैं तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं भी आए, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, क्योंकि बाद में दे डोंट मैटर। एंड स्पेशली इन दिस एग्ज़ाम आई हैव सीन कितने लोग हैं मेरे साथ, मैंने जिनको देखा है उनके एवरेज स्कोर था क्लास 10th एंड 12th में, चाहे 75% हो 70% हो। तो मार्क्स को इतना भी दिल पे नहीं लगाना, लेकिन फिर भी एक ऑनेस्टली अपने आप पढ़ते रहना है। तो बाद में आपको कोई वो नहीं मिलेगी कि हाँ इस, लेकिन कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ये मत सोचे कि मेरे इतने मार्क्स आ गए थे तब आ गए थे तो इसमें भी आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कई बार आपके मार्क्स नहीं भी आते हैं, तो ज़रूरी है कि मार्क्स को एक बैलेंस उसमें देखें, लेकिन अपना 100% दे हर एग्ज़ाम के लिए। मैम एक बहुत बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ आजकल है ना, कि इतना सारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हर जगह यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है और इतने सारे रिसोर्सेज है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और लोग ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट होके बुक्स के साथ साथ अपना सोशल मीडियाज पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शन अगर आप एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो, मतलब जैसे मान लो नीट हो गया, JEE हो गया या कोई भी बोर्ड एग्जाम्स है, UPSC हो गया, तो इनको आपने जो है वो कैसे डील किया ये सब सोशल मीडिया के जमाने में, और एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आप कह रहे हो कि 8-10 घंटे भी अगर मैं लगा रही हूँ कॉन्सेंट्रेट करके, तो कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को जो है वो मैनेज कर रहे थे अपने टाइम? देखिए सोशल मीडिया आजकल बहुत ही वो बन गया है कि अगर आप नहीं हो इस पे यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। लेकिन मेरे को था कि अगर ये एग्ज़ाम करना है तो सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, बाद में आपके पास टाइम ही टाइम होगा चलाने को। ये मेरा भाई बैठा है, मैंने अपने फ़ोन में इससे रिस्ट्रिक्शन लगवाई हुई थी, ओनली ही यूज़ टू ओपन माई फ़ोन, आई डिड नॉट नो द पासवर्ड। मेरे फ़ोन में कोई ऐप नहीं है, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना स्नैपचैट, कुछ भी नहीं है, ओनली व्हाट्सएप एंड कॉलिंग, दैट्स इट। ये मैंने अपने फ़ोन में रखा एक साल तक। हाँ कई बार मन कर जाता है देखने का, तो अपने लैपटॉप पे या किसी और डिवाइस पे थोड़ा यूट्यूब पे सीरीज़ देख लो, कुछ देख लो, ऐसा कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अदरवाइज़ जो ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, आई नो बहुत मन करता है, हर किसी का मन करता है स्क्रॉल करते रहने का, लेकिन एक अगर आप एक एम की तरफ अचीव कर रहे हो, आपको थोड़ी देर के लिए डिसअपियर होना पड़ेगा। तो मेरी यही सलाह है, अगर यू रियली वॉन्ट टू स्कोर गुड, डिसअपियर फॉर 6 months, 1 year, उसके बाद टाइम ही टाइम है, जितना मर्जी चलाओ, जितना मर्जी फ़ोटो अपलोड करो, देखो कुछ भी देखो। मैं सोशल मीडिया से एब्सटेन करने को तो एक स्ट्रिक्टली एक बहुत वैलिड पॉइंट मानती हूँ, जो मेरी सक्सेस में बहुत काम किया। मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रीक थी, आई यूज़ टू बी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, मेरे को बहुत मन करता था चलाने का, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि अगर इन पे बैठी रही तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो अपने फ़ोन पे भी अपने फ्रेंड्स को बोलो रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जब खोलनी हो थोड़ी देर के लिए देख लिया, बट वैसे एग्जाम है, अगर 2-3 महीने में एग्जाम है तो बिल्कुल छोड़। ये जो हमारा रीजन है अमृतसर से लेके इधर करनाल तक, हां जी हां जी हां जी, ये जो बेल्ट है स्पेशली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है अब्रॉड सेटल होने के लिए, ठीक है। बट मैं किसी और प्रोस्पेक्टिव से कई बार देश दुनिया को देख रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये मन करता है, मतलब अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो यार लोग इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको अवेल करें, ठीक है। आप देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपकी अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है कि इज इट रियली नेसेसरी टू गो अब्रॉड फॉर अर्निंग मनी, और क्या हम लोग यहाँ पे भी एवेन्यूज जो है वो इस तरह के जनरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप उसके ऊपर मैम प्लीज इनको जरूर एक बार बताएं। जब मैं आपकी एज की थी, इस एरिया में बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था बाहर जाने को, कोई कोई जाया करता था, लेकिन अब मैं 3-4 साल से जब भी शाहबाद आती हूँ मैं यही सुनती हूँ, अच्छा इसकी फाइल लग गई, ये चला गया, वो चला गया, एंड आई एम लाइक यार सारे लोग चले जाएंगे, मैं शहर में किसको मिलने आऊँगी वापस। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी पर्सनल कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत नेसेसरी है जाना, कि हाँ जाना पड़ेगा, एक उसमें मत चले, भेड़ चाल में मत चले कि वो जा रहा है तो मैं भी जाऊँ। अगर आपको लगता है आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आपको लगता है उसमें कोई होप है, तो एक बार ट्राई यहाँ ज़रूर करें। माँ बाप को छोड़ के जाना भी वो नहीं होता, इजी नहीं होता, और एक आपका शहर भी है, एक कल्चर है आपका यहाँ पर, वो पता नहीं वहाँ 2-3 generations के बाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन पर्सनल चॉइस है आपकी। अगर आपको बहुत ज़रूरी है जाना, आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं बन रहा, तो आप यू कैन प्रोसीड विद इट। बट अगर आपको लगता है यहाँ थोड़ी सी भी होप है, आपका कोई ये है, आप पढ़ाई में अच्छे हो,
कोई डॉक्टर बन सकता है अच्छा, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई यूपीएससी क्रैक कर सकता है. सो अगर आपके पास मीन्स है वहाँ तक पहुँचने के, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ट्राई ज़रूर करें. एक रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर हम सब यहाँ से चले गए तो हमारी इन घरों में, इन गलियों में पता नहीं कौन आगे बस जाएगा. आज की नहीं, 50 साल बाद की बात कर रही हूँ. तो अगर किसी को ऐसा जुड़ाव है तो प्लीज़ डू ट्राई योर ऑप्शंस हियर. अदरवाइज इफ़ यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर ऑप्शंस एंड आपको लग रहा है यहाँ तो होपलेस हो गया, तो दैट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन. बट अपनी मैं कहूँगी जो आपकी एज है 17-18, अभी हम बहुत केसेस देख रहे हैं कैनेडा में स्पेशली कि बहुत कई बार आप मैनिपुलेट करा जा रहा है बच्चों को, एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. तो आई वुड से एटलीस्ट अपनी बैचलर्स लेवल की डिग्री यहाँ से करके जाएँ और फिर वहाँ से जाके आप मास्टर्स या कोई डिप्लोमा कर सकते हैं. क्योंकि एक एज होती है 17, 18, 19, इसमें आप बहुत कुछ, ये आपकी पूरी लाइफ को डिटरमिन करता है आगे. इसमें कोई गलती हो गई, कोई किसी गलत कंपनी से वास्ता पड़ गया अब्रॉड में जहाँ आपके पेरेंट्स भी नहीं, सो दिस एज इज़ वेरी टेंडर आई फील. अगर जाना है तो मैं कहूँगी बीए करके जाएं. ट्वेल्थ के बाद आपको सीधा काम भी मैनेज करना पड़ता है, पढ़ाई भी मैनेज करती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है. बाकी आपकी, मतलब इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू फ्रीडम, तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या करना है. बट मेरी पर्सनल ओपिनियन यही रहती है. मेरे भाई के भी अभी, ही वॉज ऑल्सो ईगर, ही स्कोर्ड 8 बैंड्स इन जून. ही वॉज वेरी ईगर, बट देन इसने थोड़े दिन इधर उधर घूमता रहा, फाइल लगाता रहा दिल्ली में इधर उधर जाके, फिर कहता नहीं दीदी मुझसे नहीं हो रहा. फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, यू कैन स्टे हियर ऑलवेज. मैंने इसको पूरी खुली छूट दी, जबकि पर्सनल ओपिनियन मेरा होता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसको भी मैंने पूरी फ्रीडम दी कि तू ट्राई कर ले. फिर उसने अपना माइंड खुद ही चेंज कर लिया एंड नाउ ही इज़ लाइक आई वॉन्ट टू ट्राई हेयर, एंड अगर कुछ नहीं बनता यहाँ पे तो मैं चला जाऊँगा उसके. आपका अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो प्लीज, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ लोग जरूर पूछें इस पे. हाँ, एनीथिंग, दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, यू कैन आस्क एनीथिंग एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी पीपल फ्रॉम माय सिटी, स्टूडेंट्स फ्रॉम माय सिटी डू रियली वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. So anything that you want to ask. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे थिंकिंग रहती है कि यूपीएससी इज अ वेरी टफ एग्जाम, इट इज नॉट ईजी टू क्लियर. पेरेंट्स भी कहते हैं कि क्या ये तुम क्लियर कर पाओगे, तुम सोच लो अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर कि तुम क्या कर पाओगे या नहीं. तो मेरा सवाल था कि क्या आपके लिए भी, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली का कोई ऐसा स्ट्रेस था कि तुम सोच लो, या उन्होंने भी कुछ प्रेफर किया आपको कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, इससे बेटर भी ये है, क्या तुमसे नहीं हो पाएगा. तो मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो आशिमा ने पूछा है कि बेसिकली, मतलब इसको अगर मैं रीफ्रेस करूं तो एक पीयर प्रेशर जो फैमिलीज का, रिलेटिव्स का जो है वो रहता है ड्यूरिंग योर ऑल प्रिपरेशन, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पीयर प्रेशर को जो है वो अपने को कैसे मैनेज कर. तो देखो आशिमा, था तो प्रेशर तो बहुत रहता है शुरू से, लेकिन मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी. तो बीए के बाद आई डिड नॉट जंप डायरेक्टली इनटू इट, आई वेंट फॉर माय मास्टर्स. मास्टर्स के बाद मुझे ये हो गया कि मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकती है. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बाद मैंने एमफिल पीएचडी में लिया, उसमें भी आई क्लियर्ड नेट जेआरएफ. जेआरएफ से यू गेट 35,000 पर मंथ है स्कॉलरशिप फॉर परस्यूइंग योर पीएचडी. तो उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अपने इस जर्नी में, एंड पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे. आई वुड से वेरी लकी. कहीं रिलेटिव्स बोल देते हैं अच्छा इतनी बड़ी हो गई, पढ़ा वो शादी नहीं हो रही. अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे को कोई बता रहा था, तुम्हारे पड़ोस में कोई बोल रहा था इसकी शादी क्यों नहीं करते इसके पेरेंट्स. तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो कंसिस्टेंटली, आपके पेरेंट्स आप पे ज़रूर भरोसा करेंगे, आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे. होता है, दुनिया तो सारी बोलती रहती, उन्हें तो बोलना ही है, उनका तो काम ही होता है बोलना. बट आप लगे रहो उस जर्नी में एंड मेक श्योर, एज अ वुमन आई वुड टेल यू, योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज ही नहीं, मैरिज के बाद भी, हमेशा ये आपके पास एक अमानत रहेगी कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी. सो गर्ल्स, आई रियली इनकरेज यू टू सिक्योर योर एवेन्यूज, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. बॉयज में से कोई पूछ ही नहीं रहा, कैनेडा की फाइल लगा के बैठे सारे. तो हर टाइप की डिस्ट्रैक्शन होती है. प्यूबर्टी में भी आपको एक डिस्ट्रैक्शन तो आती है, टीन एज में, उसके बाद भी कई बार आपको फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाता है, कई बार और इश्यूज हो जाते हैं. वो किसी चीज़ को दिल पे मत लगाना, दैट्स नॉट गोना मैटर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स.
उसके बाद आप बस अपना लगे रहो, अपना गोल मत छोड़ना. एंड आई जस्ट सेड सिक्योर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने उस पे गोल पे रहो और अपने उसको सपने को देखो कि मुझे ये पूरा करना है. अगर आपने कोई सपना देखा हुआ है देन परस्यू इट वेरी वेल. डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना, मैं कहूँगी मेरे पास भी बहुत स्ट्रगल्स थी, बहुत. कई बार फ्रेंड्स ऐसे होता है, कई बार ग्रुप ऐसा बन जाता है, किसी आप शहर में दूसरे में शिफ्ट हो जाते हो, दिल्ली में मैं रही, पुणे में मैं रही, तो हर चीज़ से अडेप्ट करना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है. अपने आप को अपराइट रखो, आस पास आपके जैसा मर्जी हो कोई मैटर नहीं. अभी मुझे लगता है बॉयज के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गर्ल्स के लिए बड़ी जरूरी है, हम क्या गर्ल्स पे डिपेंड होने वाले हैं? या मतलब एक चीज मतलब मैं जरूर मतलब एक जैसे होता है ना जैसे प्रो टिप आपने गर्ल्स के लिए दिया है, एक प्रो टिप आप बॉयज के लिए क्या जो है वो. थोड़ा हमारा सोसाइटी ऐसा है ना कि गर्ल्स का सोचा जाता है शादी कर देंगे इनकी, तो बॉयज के पास थोड़ी फैमिली इनहेरिटेंस रह जाती है, कोई वो रह जाते हैं. तो बॉयज को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूर. बस उसी में वो मत हो जाएं कि चलो हमें पेरेंट्स दे देंगे या हमारे पास कुछ पेरेंट्स का दिया हुआ है प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, लेकिन खुद भी अपने लिए पढ़ें और अच्छी जॉब सिक्योर करें, अच्छा प्रोफेशन अडॉप्ट करें. बाहर जा रहे हैं तो बाहर तो आपको मिल ही जाती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको काम ही करना पड़ता है. तो बॉयज़ के लिए भी मेरा यही कहना है, और अपनी आदतें अच्छी रखें, मतलब सारा वो रखें कि आजकल बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ड्रग्स का बहुत है, ये बहुत है हमारे एरिया में स्पेशली, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें एंड यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ. मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे जो मेरा फेज ऑफ टाइम है, मैं 10th में हूँ, मेरा फियर मैथ्स है. मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं उसमें स्कोर नहीं कर पाऊँगी बोर्ड्स में, जो कि मैंने अपनी फैमिली को भी शायद कह दिया कि मम्मा प्लीज़ मेरे को मैथ्स के लिए एटलीस्ट मत डालना, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे से मैथ नहीं होगा, वो मेरा फियर है. तो क्या आपके टाइम पे भी कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा था जिसमें आपको फियर था और आपको था कि आप नहीं कर पाओगे, और अगर था तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सो जैसे तुम्हें लगा मैथ्स फियर है, तो मैं भी कई बार मैथ्स से डर जाती थी. 9th में मेरे जस्ट 45 मार्क्स थे, बट मैंने बहुत तैयारी करी, प्रैक्टिस कर करके अपने आप को ऐसा कर लिया कि आई कुड स्कोर वेरी वेल इन क्लास 10 बोर्ड्स. नाउ दैट यूर इन 10th, द सब्जेक्ट दैट आई फियर द मोस्ट वाज साइंस. साइंस मुझसे नहीं होती थी, मैं फिजिक्स की बुक देख के डर जाती थी और केमिस्ट्री की बुक्स भी देख के डर जाती थी. तो लेकिन फिर भी मुझे लगा जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से देती हूँ बेस्ट, एंड जितना कर सकी उतना करा. पास्ट ईयर्स के पेपर देखे, सब देखा. बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे था कि आई विल डू वेरी वेल, मुझे था ही था कि ये तो मैं श्योर शॉट हूँ. लेकिन साइंस में मैं बहुत अनश्योर थी. इवन जो लास्ट पेपर हमारे टाइम में एक वो पेपर होता था, OMR शीट पे प्रैक्टिकल पेपर होता था, एंड ऑफ द बोर्ड्स में ही होता था वो, उसमें भी मैं पता नहीं कहाँ कुछ गलत कराई, बट फिर भी एक डिसेंट स्कोर आ गया मेरा. तो एक किसी चीज़ को डरो मत, हवा मत बनाओ, जितना आप अपनी एबिलिटी से कर सकते हो उसको उतना करो, बट हाँ मेक श्योर आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया, बाकी एग्जामिनर की मर्जी है. मैम आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं, जैसे हम कॉलेज में हैं उसके बाद जॉब से आते हैं कोई कंपनी से आया, तो उनमें वो पर्सनल इन्फो के पे पूछते हैं या अपने मार्क्स के रिकॉर्डिंग या अपने उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मतलब स्टडी कैसी है या हमें कितना नॉलेज है कैसे टाइप का? मतलब ये आनंद बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारी स्टडीज़ के बाद जो भी एवेन्यूज में हम लोग जाने वाले हैं, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग अवेल करने वाले हैं, तो बेसिकली उनमें किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं? वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, आपने कितने मार्क्स लिए हैं उससे रिलेटेड रहते हैं, या किन चीज़ों पे बेसिकली? मतलब देखो एक क्वेश्चन का कई बार आपको करेक्ट समझना चाहिए. तो ये बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि यार लाइफ में किन चीज़ों पे अभी से इसको फोकस करना है कि वो इस तरह की चीज़ें जो भी ये जॉब्स आगे होने वाली हैं तो उनमें ये फेलियर को जो है वो सामना ना करें, तो उसके लिए आप क्या टिप जो है वो बच्चों को देंगे? हाँ जी, जॉब इंटरव्यू को लेके आई वुड से कि एक तो अपनी जो आपकी बैकग्राउंड है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. वेयर यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आपकी होम टाउन हो गया, ये हो गया, इन सारी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. फिर जो आप जिस जॉब के लिए बैठ रहे हैं, अगर आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट हो रही है, अगर वो मैनेजमेंट है या साइंस की जॉब है, कोई भी है, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़रूर आता है कहीं भी आप चले जाओ. UPSC के मेरे इंटरव्यू में थोड़े दिन पहले, पिछले महीने, उन्होंने मुझसे क्या पूछ लिया, मैंने 12th में कॉमर्स और मैथ्स थी मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछ लिया तुमने 12th में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस, कहती इन तीनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस पता है? दिस वॉज द क्वेश्चन 12th क्लास में, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि 12th क्लास तक पहुँच जाएंगे वो. तो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं 12th में पढ़े हों,
बीए में पढ़े हों, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ो, और एक जनरल अवेयरनेस होती है आसपास क्या चल रहा है देश दुनिया में, तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूज़पेपर से आपकी सारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, तो वो ज़रूर पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि कई जॉब्स ऐसी होती हैं कि उसमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप देश दुनिया के बारे में अवेयर हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, तो आप वैसे ही नेचुरली वेरी कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। बाकी कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, अगर जॉब इंटरव्यू आने वाला है अपने घर वालों को बिठाएं सामने, उन्हें बोले कि आपसे क्वेश्चन करते रहें। मेरी ये स्ट्रैटेजी ये थी, मैं 2 महीने मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने मेरे सामने बैठे रहते थे, कोई रैंडम क्वेश्चन पूछते थे, मैं उसका जवाब देती थी, तो वो बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके आप जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो आई फील दैट इज़ द स्ट्रैटेजी, एंड सब्जेक्ट्स, जनरल अवेयरनेस एंड योर पर्सनल बैकग्राउंड, मतलब दीज आर द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी इंटरव्यू दैट यू विल कम अक्रॉस इन लाइफ। मैम जैसे हमारे इंटरेस्ट होते हैं, अगर बहुत सारे फील्ड में हम जाना चाहते हैं, बहुत सारे जॉब इंटरेस्ट होते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो दूसरी जॉब कर लेंगे, जैसे अगर आप माइंडसेट लेके चल रहे हो, अगर आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं हुई तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को ना मैं फिर से रीफ्रेस कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली ये पूछ रही है व्हाट इज़ द प्लान बी, ठीक है, मतलब अगर प्लान ए जो है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा लाइफ में, ठीक है, सबको सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो पाथ पे चलना शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही हैं जो एक अपना बोलते हैं ना बाउंड्री लाइन क्रॉस करके जो है वो उसको पार कर पाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली मतलब सक्सेस अगर ना मिले तो प्लान बी का होना, मतलब आप उसको जो है वो कैसे देखते हैं? प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है लाइफ में, अगर आप स्पेशली यूपीएससी जैसे चैलेंजिंग एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी बीए के बाद माइंडलेसली चलो 1 साल प्रिपेयर करना कर लो, लेकिन उसके बाद कुछ सोचो, मास्टर्स ज़रूर होनी चाहिए हाथ में जो आपको जॉब दिलवाए, या कोई और जॉब के बारे में देखो। तो मेरी प्लान भी यही था, क्योंकि मैं पीएचडी कर रही थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी सिलेक्ट हो गई थी गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में, तो मेरे को ये था कि अगर ये नहीं हुआ तो एक अकेडमिया की जॉब्स तो है मेरे लिए, आई कैन बी अ प्रोफेसर और आई कैन गो इन टू रिसर्च, तो ये ऑप्शन मैंने पहले से सिक्योर करके रखे थे, मैंने नेट JRF क्लियर करा हुआ था, तो कहीं ना कहीं मुझे एक रिलीफ था माइंड में कि ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और ज़रूर कर लूँगी। तो प्लान बी सिक्योर करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर प्रिपरेशन। बीए के बाद आपको देना है 1 साल, आप दें, लेकिन 1 साल से ज़्यादा मत दें, उसके बाद नहीं तो आप एक उसी उसमें फंस जाएंगे और आपको लगेगा मेरे रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मम्मी पापा से कितनी देर तक हम पैसे मांगते रहेंगे। तो अपने आप को सिक्योर करके चले थ्रू आउट, इंटेलिजेंटली प्लान योर जर्नी, एंड जो आपको अटेम्प्ट देना है आप दें, और मैं कहती हूँ जॉब के साथ भी मैनेज हो जाता है, मास्टर्स के साथ भी मैनेज हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट स्किल्स कि आप अपनी स्टडी को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो प्लान बी तो हमेशा ही होना चाहिए, दैट इज़ द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, नहीं तो सब स्क्वैंडर हो जाता है जो आपके हाथ में होता है। मतलब आजकल जब हम लोग यूथ को देख रहे हैं ना, तो हमारे टाइम में अगर मैं बात करूँ 10 ईयर्स बैक, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को आज एक और जो नज़र आती है ना, इंटेलिजेंट इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, मतलब IQ बहुत शार्प है, सब कुछ जो है वो अचीव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना इनकी, वो बहुत ज्यादा वीक होगी हुई है, मतलब लेकिन अगर हमें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है वो फोड़ना है, तो इंटेलिजेंसी प्लस मैनेजमेंट दोनों चीजें अगर आपकी स्ट्रांग है तो ही जो है वो आप अचीव कर पाते हो। तो एक मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव से इन इंटेलिजेंट बच्चों के लिए आपकी क्या मतलब जो है वो राय है? दे आर वेरी यंग राइट नाउ, 10th में अभी हम एकदम से या 12th में मैनेजमेंट नहीं सीखते, लेकिन आप भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे JEE हो गया, वो हो गया, नीट हो गया, तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर डिस्ट्रैक्शंस माइंड में जितनी कम होंगी ना, उतनी अच्छा मैनेज हो जाएगा आपका सारा कुछ। ऐसे मैंने पहले भी स्ट्रेस किया था, सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, अपने घर में भी ठीक है आपको फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना है थोड़ा सा दे लें, लेकिन उसके बाद एक शेड्यूल बना के चले। मैं कई बार शेड्यूल बना लेती थी, आई यूज़ टू हैव अ डायरी, 7 बजे से ये करना है, ये करना है, मतलब फॉलो कई बार नहीं भी होता, पूरी इंटायरली यू कैंट फॉलो, बट आपने अगर सामने लिख लिया, वाइट बोर्ड लगा लो अपने रूम में, कुछ भी लगा लो, सामने आपने लिख लिया ना, तो एक दिन नहीं फॉलो करोगे, दूसरे दिन नहीं फॉलो करोगे, तीसरे दिन आपको खुद शर्म आ जाएगी कि मैंने ही लिखा तो फॉलो कर लेते हैं तो ये चीज़ है। हाँ तो मेरे चाहे शाहबाद का रूम हो, चाहे दिल्ली में जो मेरा हॉस्टल का कमरा है, मैंने बोर्ड लगा रखा है, मैं लिख देती हूँ उस पर, कई बार मैं भी नहीं फॉलो करती, बट तीसरे चौथे दिन मुझे ना वो आ जाती, गिल्ट आ जाती कि मैं फॉलो क्यों नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, शेड्यूल को अगर सामने लिख लोगे वाइट बोर्ड पर,
मैनेज बहुत अच्छे से हो जाएगा. बाकी मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस और सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके चले. अगर आप हर रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड. मेरा ये होता है मैं पहले एक सब्जेक्ट को फिनिश करती हूँ फिर मैं दूसरे पे आती हूँ. लेकिन ट्वेल्थ में आपको सारे पढ़ने पड़ते हैं तो सारों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे. स्कूल में आपका हो गया, कोचिंग में हो गया, लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ स्टडी से ऊपर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. कोई आपको कुछ आपके दिमाग में घोल के कोई कुछ नहीं डाल सकता. अगर आपने पढ़ा, खुद पढ़ा है, चार बार पढ़ा है, तो ही आप होगा. और किसी से आप गारंटी नहीं साइन करवा सकते कि तू मुझे पास करवा दे या वो कर दे. सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. एंड अलॉन्ग विद योर मैनेजमेंट एंड अलॉन्ग विद मिनिमाइजिंग योर डिस्ट्रैक्शंस, ये तीन चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करनी लाइफ में. बी इट एनी एज, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो डूइंग माई PhD एंड आई विल ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट. मैं हमेशा रिसर्च या उसमें करती ही रहूँगी कुछ ना कुछ. डॉक्टर मनमोहन सिंह है हमारे जो फॉर्मर PM थे, ही उनका मैं एक बार लेटर पढ़ रही थी. उन्होंने किसी को लिखा एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ही स्टिल कॉल्स हिमसेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही इज 90 ईयर्स ओल्ड. सो दैट इज द स्पिरिट वी नीड टू फॉलो. वी शुड ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट. आर इनक्विजिटिवनेस और आर सेंस ऑफ इंक्वायरी शुड नेवर डाई. So keep that thing in your mind. मैम, जैसे आपने बताया था आपका सेकेंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट ने आपका क्लियर नहीं हुआ था, तो इस टाइम आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया था भी अगली बारी हो जाएगा तू रख कॉन्फिडेंस अपना, या फिर कह दिया था रहने दे बहुत डिफिकल्ट है, या फिर आपके रिलेटिव्स ने आपको कॉन्फिडेंस लूज किया था? अगर आपको कॉन्फिडेंस लूज हुआ था तो आपने उसको कैसे कैच किया था? जैसे पिछली बार मेरा एग्जाम नहीं निकला था तो मैंने पेरेंट्स को बता दिया था कि देखो आई हैवंट गिवन माई 100%, मैंने दिया ही नहीं है. मैंने तो किताबें इतने 5-6 साल बाद उठाई थी सारी इकोनॉमिक्स की, मास्टर्स की, क्योंकि मैं PhD में बहुत बिजी हो गई थी 5-6 साल. तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है समझ लिया. फिर मैंने 2021 में भी नहीं दिया. मैंने कहा उस तब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, इतना वो नहीं था, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी एंड मुझे कोविड भी हो गया था उस टाइम पर. तो मैं 2021 में भी नहीं दे पाई, ऑल्दो मेरी तैयारी हो चुकी थी. बट मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कोई ना, मेरे पास ऑप्शन है. पिछले साल मेरा एक और एग्ज़ाम क्लियर हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उससे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो इसने कुछ अचीव कर लिया तो लेट हर डू जो कर रही है. वैसे भी PhD कर रही थी मैं, मेरे को ख़त्म करनी थी. आई वॉज परसुइंग इट ऑन माई ओन एंड अपने हॉस्टल में JNU में वहाँ पर रह के, तो वहाँ इतना कोई खर्चा वगैरह भी नहीं होता. तो ये एक बेनिफिट रहा मेरे को. एंड फिर पेरेंट्स ने लेकिन विश्वास शुरू से जताया. मतलब खुद उनके पास कई बार फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते थे, स्कूल की फीस भी लेट हो जाती थी. मेरे पिताजी किसान हैं, ही इज़ अ फार्मर, एंड कई बार चीज़ें आप नहीं भी अफोर्ड कर पाते थे उस टाइम पे. इतने मींस नहीं होते थे जितने आज हैं. तो फिर भी उन्होंने मेरी एजुकेशन को हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी दी, मेरी मम्मा ने भी और मेरे पापा ने भी. तो आई वॉज़ लकी इन दैट सेंस कि उन्होंने मेरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया. एंड जो रिलेटिव्स होते हैं कुछ अच्छे होते हैं कि हाँ कर लेगी कोई बात नहीं, पर कहीं एक उसी में रहते हैं, अच्छा अभी तक नहीं हुआ, अच्छा अभी तक पढ़ रही है, इतना कौन पढ़ता होता है. तो वो तो मिलते ही आपको, बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे. बट जब आप कुछ बन जाते हो वही रिलेटिव्स आपके साथ फ़ोटो खिंचाने आ जाते हैं. तो तो यही है, उन्हीं के फ़ोन पहले आ जाते हैं. मैंने बैंक से रिजाइन किया ना, तो 2016 में अनमोल आए मेरे पास. 15 में रिजाइन किया था मैंने, 15 में आए थे. तो इन्होंने मेरे को कहा रीजनिंग जो है ना वो तंग कर रही है मेरे को, यही कहा था मैं, मेरे को रीजनिंग तंग कर रही है. रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा जरूरी होता है करना. तो मैंने कहा आप आ जाओ, हम दोनों बैठ के इकट्ठे कर लिया करेंगे. तो मेरे घर कुछ दिन आए थे आप मेरे पास. आई 15-20 दिन आई थी. 15-20 दिन आए थे. तो उस वक्त इन्होंने रीजनिंग जो थी वो की थी यहाँ पे. तो उस वक्त जो इनका मूड था ना, मेरे को कहते मैंने IPS करनी है, आपको याद होगा. तो इन्होंने मेरे को कहा था मैंने IPS करनी है. मैंने यू डिजर्व फॉर IPS, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है डैट इज ऑफ एन IPS ऑफिसर. जब अपना कैप कूप लगा के लोग भी डरेंगे कि एक SP आ रहा है. तो IPS से ये IAS पे आ गए, चलो बहुत बढ़िया हो गया. ये भी अच्छा रहा बहुत इनका. तो मैम ने मेहनत की है और मेहनत ने रंग दिया है. मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि मेहनत करोगे तो रंग मिलेगा ही मिलेगा, पढ़ाई करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है. नंबरों के पीछे मत दौड़ो, पढ़ाई के पीछे दौड़ो. बस मेरा ये होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ नंबर के पीछे मत भागो. जैसे आशमा कहती है मैं मैथ से डरती हूँ,
ये मैथ से डरती क्यों है? ये इसलिए डरती है कि इसके नंबर नहीं आते मैथ में, इसलिए डरती है। नंबर के पीछे मतलब प्रैक्टिस करो बस, आपका काम है प्रैक्टिस करना, आपका काम नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर आपके 10 आए, 20 आए, 50 आए, जितने मर्जी आए, आप प्रैक्टिस करो, जहाँ जहाँ कमी अपने दिमाग में नोट करो और उसको पूरा करने की कोशिश करते रहो, बस ये मेन फंडा है पढ़ाई का। अपनी कमी खुद ढूंढनी है, मैं नहीं ढूंढूंगा आपकी कमी, मैं बताऊंगा अगर आपको आपकी कमी तो आप कोई पागल नहीं करो, ऐसे ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है ना। अपने आप जब खुद ढूंढोगे अपनी कमी को, उस कमी के ऊपर आप जब वर्कआउट करोगे तो कमी अपने आप दूर हो जाएगी। हर चीज़ प्रैक्टिस की है, स्टडी तो प्रैक्टिस की ही है और कुछ नहीं है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एक बार में नहीं मिलेगा रिजल्ट, दो बार में मिल जाएगा। मैं आपको अपनी लाइफ का छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे जब बड़े दीदी की शादी हुई तो उनके हस्बैंड बैंक में थे, आई वॉज इन 9th क्लास एट दैट टाइम। तो मैं उनके पास ना एक बार यहीं छावर में, वो उस वक्त न्यू बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, बाद में PNB में मर्ज हो गया था वो। तो मैं एक बार ना 10th क्लास में जब मैं हुआ तो मैं बैंक में चला गया उनके पास। तो बैंक के अंदर एंटर किया तो आई वॉज एस्टोनिश टू सी दैट एसी कूलर लगे हुए हैं, आराम से चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं ये लोग, काम कर नहीं रहे यार, चाय पी रहे हैं। मेरे दिमाग में यार मैं बैंक में जॉब करना, टीनेज था उस वक्त, कुछ नहीं था, कोई वो नहीं था, बैंक में जॉब करनी, दिमाग में सोचते कि बैंक में जॉब करना, ठीक है जी। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्योंकि फादर मेरे टीचर थे तो मैंने बीएड कर ली। बीएड करने के बाद मैं सरकारी नौकरी में चला गया, एज ए साइंस मास्टर गवर्नमेंट सर्विस में चला गया। कौन सी? लेकिन इज ऑफ 1981 में मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन दिमाग में एक खुराफात कि वो बैंक में बैठे हुए थे, यहाँ क्या क्लास में बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं यार, बस दिमाग में एक बात, बैंक के पेपर देने शुरू कर दिए। पहला पेपर दिया, पहला पेपर क्लियर हो गया, सिलेक्शन नहीं हुई। दूसरा दिया, तीसरा दिया, मैंने 9 पेपर्स बैंक के क्लियर किए, 9 पेपर्स। 9वें पेपर में जाके मेरा जो इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यूअर के साथ लड़ा, मैं कहा मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे आप लोग, मैं क्या हर बार पेपर क्लियर करता हूँ, मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे बैंक के अंदर। तो 9वें में जाके मेरी सिलेक्शन हुई, जिसमें PO के भी थे, क्लरिकल के भी थे, सारे पेपर्स थे। मीन्स 9th में जाके मेरी सिलेक्शन हुई। मैंने छोड़ा नहीं कि मैंने तो बैंक में लगना ही लगना है। तो आपका टारगेट अचीव करने का आप में हिम्मत होनी चाहिए, ये नहीं कि 9 फेलियर्स हो गए तो 9 फेलियर्स के बाद में डर गया, नहीं यार मैं नहीं। बैंक के पेपर जितनी बार मर्जी दे सकते हैं, IAS तो था नहीं है कि IAS हमने 4 बार देना है, 5 बार देना है, ठीक है। बैंक का पेपर था, जितनी बार मर्जी देते रहो, हर साल एक बार निकलता था, साल में 2 बार निकलते थे उस वक्त, तो साल में 2 बार निकलते थे तो दोनों बार हम भर देते थे, तो दोनों बार क्लियर हो जाते थे, इंटरव्यू देते रह जाते थे। तो ये काम चलता रहा कंटिन्यूस। मैं फेल्योर्स की बात कर रहा हूँ कि फेल्योर से आपको डरना नहीं है। आई क्लियर SCS आल्सो, मैम का भी SCS क्लियर हुआ है, तो इनकी भी अब शायद सिलेक्शन आने वाली है शायद, तो मैं SCS में भी रिजेक्ट हुआ हूँ, SCS में मेरा क्लियर हुआ था, उसमें मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फेलियर मिलेंगे लाइफ के अंदर तो आप डर के बैठ जाओ जी, हाई मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई वो नहीं है, अब फेलियर्स भी आपकी जो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, अगर ये नहीं होंगे तो आपकी लाइफ शाइन नहीं करेगी, शाइन तभी करेगी जब आप फेल होंगे। इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की मैं मेरे नंबर नहीं आते, मेरा ये नहीं आता, मेरा वो नहीं आता। 2 महीने के लिए मोबाइल बंद कर दो, बेस्ट है, रिस्ट्रिक्शन लगा लो, मोबाइल बंद ना करो, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा, ठीक है। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि मोबाइल्स आपको डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आपको मान लो एक क्वेश्चन अटकता है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकला, आप क्या करोगे, मोबाइल को क्वेश्चन डाल दो, ठीक है, डाला आपके पास सामने क्वेश्चन आ गया, आपने क्या किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करा, सोल्यूशन देखा, बड़ा ईजी था ये यार काम, वो क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे। कितने बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं, कोई नहीं बना रहा होगा, बड़े बनाए नोट्स हैं, सर आप ऐप में डाल दो नोट्स, ऐप में दे दो, हाथ से नोट्स बनाए आप लोगों ने, नहीं बनाए होंगे, बहुत कम बच्चों ने बनाए। अपने हाथ से जब नोट्स बनाओगे आपका ब्रेन भी वहाँ पे काम करेगा, तो नोट्स जो हैं वो आपको फ़ायदा देंगे। मैम से पूछ लो, इन्होंने IAS के सारे नोट्स बनाए होंगे अपने, सारे पूरे नोट्स, एक एक टॉपिक, बिना नोट्स बनाए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके नोट्स नहीं बने होंगे। आपको नोट्स आपकी भाषा में बने होने चाहिए कि आपको शॉर्टकट एकदम रिवीजन, सब्जेक्ट की रिवीजन है, एक दिन के बाद अगले दिन पेपर है, एक दिन में रिवीजन हो जाए पूरी, ऐसे शॉर्टकट में आपके नोट्स बने होने चाहिए और अपने वो अपनी लैंग्वेज में बने होने चाहिए। कौन सी चीज़ आपको कैसे लिखनी है, कैसे समझ आती है, उस भाषा में लिखो आप,
ये चीज मेन होती है। बाकी हम अनमोल का बहुत मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगी। 2008-09 मैंने आपको बताया ना, आपकी तरह हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते थे ज़्यादा, क्यों 10th क्लास में किसी को कोई पेरेंट फ़ोन नहीं देता था, फ़ोन्स होते थे बट मिलता नहीं था कभी, एंड पर्सनल तो भूल ही जाओ। एंड उसके बाद हम एक सबसे बेस्ट बढ़िया बात थी, बैच होता था सुबह 6 बजे, उस 6 बजे ने ऐसा डिसिप्लिन इंस्टिल कर दिया हमारे अंदर, और मुझे तो इतनी दूर जाना होता था, अम्बाला जाना होता था पढ़ने के लिए भी, बट फिर भी मैं 5:30 बजे उठ के 6 से 7 बैच लगा के 7:30 अपनी बस पकड़ के स्कूल पहुंच जाती थी। वो 6 बजे का डिसिप्लिन और जो 10th क्लास की स्टडी है मुझे अभी तक याद है, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज इन माय लाइफ। उसने मेरे को हमेशा एक ऐसी स्ट्रांग फाउंडेशन दे दी कि उसके ऊपर बिल्डिंग बनती चली गई। तो 10th क्लास को चाहे 12th क्लास को इग्नोर मत करें, पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। एंड सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स सर्विसेज के पेपर थे उनमें सिर्फ मैथ्स होता है ज़्यादा, 50% इज मैथमेटिक्स, तो सर का पढ़ाया हुआ मैथ्स वो अभी तक काम आ रहा है। लीनियर एलजेब्रा हो, कुछ हो, लीनियर एलजेब्रा एक स्पेसिफिक टॉपिक था हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ही अभी तक काम आ रहा है। इक्वेशंस कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मेरा तो जॉब के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, जॉब में हमारा यही काम है इक्वेशंस के साथ वर्क करना, उसी से हमारा इंडियन इकोनॉमी का बजट बनेगा, उसी से हमारा फोरकास्ट होएगा कि इकोनॉमी हमें होने क्या वाला है। तो सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, एंड योर टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका बैच 6 to 7:15 होता था, ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे मेरे पास, मैथ्स और साइंस। मैं क्या करता था, मैं 1.5 घंटा मैथ्स करवाया करता था 45 मिनट्स, और 25 मिनट्स मैं साइंस करवाता था। 7:15 बजे इनकी वैन आ जाती थी सारे स्कूल के बच्चों की, सबकी 7:15 या 7:20 पे इनकी वैन आ जाया करती थी हमारे घर के बाहर, वहीं से ले लेते थे, सारे बच्चे दौड़ते थे वहाँ से वैन पकड़ने के लिए। हाँ जी, सबके सब बच्चे वहाँ से दौड़ा करते थे कि वैन आ गई अब छोड़ दो। 7:15 पे ये लोग लगभग जाते थे। तो इनका बैच डिसिप्लिन मेरा ये था कि मैं सख्त कभी नहीं रहा, जैसे आप लोगों के साथ हूँ वैसे मैं उस वक्त भी था, लेकिन डिसिप्लिन ये था कि 6 बजे है तो 6 बजे ही सबको पहुँचना है, 6:00 पे नहीं, 6:00 पे धुंध हो, गर्मी हो, सर्दी हो, विंटर हो, धुंध हो, जो मर्जी हो, आपका टाइम 6 बजे, आपको 6 बजे पहुँचना है। 6:01 पे दरवाजा बंद हो जाता था, फिर जो भड़काता था उसको थप्पड़ पड़ता था। मैम से पूछो थप्पड़ कैसे पड़ते हैं, सर ये लाइन बोलते हैं, हाय मैं मर गया, मैं लुट गया, तुम्हें कुछ नहीं होता, हमें ये बोलते थे, तुम यही बोलते हो आके मर गया लुट गया, तुमसे पहुंचा नहीं गया सुबह सुबह। बट वो बहुत अच्छा रहा, और सर ने बोला था 10 ईयर पेपर करके जाओ, मैं 10 ईयर पेपर ही करके गई थी, बस रोज प्रैक्टिस करती थी उठा के, एक एवरग्रीन आती थी हमारे टाइम में, बस वही होता था, ना यूट्यूब थी ना वो ऑनलाइन वो होता था कि जाके आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, एवरग्रीन था, साथ में मैं 10 ईयर लगवा दिया करता था, क्योंकि इतनी चीजें तो अवेलेबल ही नहीं थी ना, तो हम 10 ईयर लगवा दिया करते थे। 10 ईयर के अंदर क्या होते थे, पिछले अप्रोक्सीमेटली 30 या 35 पेपर हुआ करते थे, तो मैं सब पेपर पूरे के पूरे कहता था कि जनवरी के अंदर शुरू कर दो और लास्ट तक ये पेपर सारे आने ही चाहिए, 35 पेपर जो है। तो उस वक्त 35 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, इनके टाइम में 35 क्वेश्चन आते थे, तो 35 × 35 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका नंबर 100 आने ही आने, 100 आ जाए, बिल्कुल 100 आने ही आने, और 4 भी ऐसे कट गए थे तब भी मेरे, बट 96 आ गए थे, बट आई वाज वेरी हैप्पी। आज जी थैंक यू, दिस इज सो नाइस, आई एम सो ऑनर्ड टू रिसीव दिस।